नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों फिर से सैमसंग गैलेक्सी S24 की वीडियो। और दोस्तों कर रहा हूँ मैं इसकी अनबॉक्सिंग। इससे पहले भी दोस्तों मैंने इसकी एक अनबॉक्सिंग की थी, बट वो था मेरे पास दोस्तों इसका क्रीम कलर, जो तो दोस्तों येलो टाइप से आ रहा है वो वाला फ़ोन था मेरे पास। अभी मैंने दोस्तों इसको मंगाया है क्रोमा स्टोर से, तो ये दोस्तों मेरे पास इसका डार्क ब्लैक कलर। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि दोस्तों इस फ़ोन में और उस फ़ोन में हमें क्या डिफरेंस मिलते हैं, क्या आपको ये वाला फ़ोन लेना चाहिए कलर के मामले में या फिर वो लेना चाहिए। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो आपको सेम मिलती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैंने इसको क्रोमा स्टोर से खरीदा, सोचा इसकी भी अनबॉक्सिंग कर दूं, आपको दिखाऊं। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ बॉक्स मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ये देखिए, ये इस पर लगी हुई थी, मैंने हटा दी। अब दोस्तों इस बॉक्स के अंदर मिलता है हमें डाटा केबल और पेपर वर्क, और कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों जी है इसका क्रोमा स्टोर का बिल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्रोमा स्टोर का ये बिल है इसका, क्योंकि वो लोग इस टाइप का ही बिल देते हैं। और एक बिल दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे और आपके मेल पे भी सेंड कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों इसका डिज़ाइन है ब्लैक कलर का। अब जब आप लेते हो, देखिए ये भी इस पर रैपर लगा हुआ है। वैसे दोस्तों फोन सेटअप है पूरा, बट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने इसको अनबॉक्सिंग के तरीके से ही पैक कर दिया था। बाकी पूरा फ़ोन दोस्तों सेटअप किया हुआ है मेरा, और इसको मैं यूज भी कर रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का कलर आ रहा है। जो दोस्तों ये जो आप बबल देख रहे हो, जो इसके ऊपर मेमोरी लगी हुई है पीछे, इस वजह से उसके अंदर आ चुका है, वैसे कुछ नहीं है इसमें। दोस्तों जो आप कलर देख रहे हो, ये कलर तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, जो पहले वाला फ़ोन था क्रीम कलर का, उससे ज़्यादा मुझे ये वाला बेटर लग रहा है। क्योंकि दोस्तों ये एक डार्क फ़ोन है और काफ़ी अच्छे लगते हैं बिना कवर को, जब आप यूज करते हो इस तरीके के कलर के फ़ोन को तो काफ़ी अच्छे यूज हो लगते हैं। देखिए डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी ब्राइट है। अब दोस्तों उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको बता दूं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। वैसे तो सबको पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि अगर मैं इसमें रैम की बात करूं तो 8GB 256GB का मेरे पास वेरिएंट है। और प्रोसेसर की बात करूं दोस्तों तो इसमें मिलता है हमें एक्सिनोस का 2400 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एक्सिनोस का है, बट काफ़ी अच्छा है। हीटिंग वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। जब आप काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज करते हो, गेमिंग वगैरह करते हो बहुत ज़्यादा, तब आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों कैमरे की बात करूं तो इसके जो रियर कैमरे हैं दोस्तों, इसमें जो मेन कैमरा है 50MP का है, एक कैमरा दोस्तों 10MP का है, और तीसरा कैमरा दोस्तों इसका 12MP का है। और सेल्फी कैमरा दोस्तों इसको जो यहाँ पे मिलता है ये वाला, ये है दोस्तों इसका 12MP का। डिस्प्ले इंच जो है साइज दोस्तों वो है इस तरीके से नापोगे तो 6.2 इंच, जो दोस्तों पहले S23 में 6.1 मिलती थी, इसमें मिलती हमें 6.2, तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले के मामले में। और दोस्तों बैटरी इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, पहले मिलती थी हमें S23 में 3900mAh की, अभी मिलती है इसमें हमें 4000mAh की बैटरी, तो हल्का सा फ़र्क है, 100mAh बैटरी बढ़ा दी है। बट जब आप S23 से कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगेगा यूज करते टाइम, जितना बैकअप उसमें मिलता है सेम उतना ही इसमें मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और दोस्तों फिंगरप्रिंट जो इस यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी है, दिया गया आप एक हाथ से आसानी से कर सकते हो यूज, क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी फ़ोनों में जो फिंगरप्रिंट पर जो जगह दी जाती है वो नीचे दी जाती है तो दिक्कत आती है, पर यहाँ पर सही जगह पर दिया गया है S23 की तरह ही। स्पीकर दोस्तों इसमें डुअल दिए गए हैं, एक ऊपर एक यहाँ पर नीचे। और दोस्तों इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी देखने को मिलती है। दोस्तों ये फ़ोन मैंने सिर्फ 63,000 का ख़रीदा है क्रोमा स्टोर से, 256GB वाले वेरिएंट। आप इसको कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्राइस दोस्तों 80,000 रुपये है, बट मैंने अपने एक पुराने फ़ोन को एक्सचेंज किया, उस पर मुझे डिस्काउंट ऑफर मिला, फ़ोन की वैल्यू काफ़ी अच्छी लगी। जितने का फ़ोन नया आ रहा है जो मैंने फ़ोन दिया था वो फ़ोन जब नया आया था उससे भी ज़्यादा मुझे उसका डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर लग के उसको उसकी जो प्राइस दोस्तों काफ़ी अच्छी दोस्तों मुझे मिली थी।
तो इस तरीके से मैंने इसको 63,000 में परचेस कर लिया। दोस्तों ये जो फ़ोन है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दी थी, बट मैंने फिर भी एक वीडियो और बना दी क्योंकि ये मैं दोबारा लेके आया था अलग कलर में। अब दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है इस फ़ोन को लेके, किसी भी तरह का कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।